अभी तक हमने जो है सॉल्युबिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताया। सॉल्युबिलिटी में जो हमने सॉल्यूशन बताया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था, है ना। कुछ ऐसे सॉल्यूट का नाम बताए थे हमने जो कि मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं या फिर इनसॉल्युबल होते हैं। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। उसमें हमने डिजोल्यूशन का भी नाम लिया था कि सॉल्युबिलिटी के साथ साथ डिजोल्यूशन भी होता है। तो जो सॉल्युबिलिटी और डिजोल्यूशन होते हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सॉल्यूट की कैपेसिटी होती है कि वो प्योर सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व हो पाता है। मतलब किसी प्योर सॉल्वेंट में जो है सॉल्यूट का डिजॉल्व होना, ये जो है कैपेसिटी होती है, इसको जो है आप सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्वेंट में होल्ड कर सकता है। मैक्सिमम जो है जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे टेम्परेचर या मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है इसके ऊपर कि अगर टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पे जो है डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि जो है सैचुरेटेड कंसंट्रेशन होती है, सैचुरेशन कंसंट्रेशन, जब सैचुरेशन आ जाने के बाद किसी सॉल्यूशन में आप जो है एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप सॉल्वेंट का अमाउंट ना बढ़ाएं। तो जो है अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि सुपर सैचुरेशन या सुपर सैचुरेटेड कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। उसमें जो है हम सॉल्वेंट का पहले जो है कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और वो जो होती है वो रिवर्ट करती है सॉल्वेंट के ट्रू कैपेसिटी को। ठीक है, जो सॉल्यूट होते हैं केवल जो है एक्सटेंट के लिए जो है वैरी नहीं करते हैं। जब वो डिसॉल्व किए जाते हैं वो जो है अपने जो है सॉल्युबिलिटी लिमिट पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। जो सॉल्युबिलिटी होती है और जो डिजोल्यूशन रेट होता है, दोनों जो है अलग अलग फेनोमेना होता है। दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। जो डिजोल्यूशन रेट होता है वो काइनेटिक प्रोसेस होती है। इसमें कि जो है एक सोल्यूट ऐसा हो सकता है जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर हो किसी सॉल्वेंट के अंदर और डिजोल्यूशन रेट जो है उसका जो है तेजी से हो, मतलब डिजोल्यूशन रेट उसका अच्छा हो, तेज हो, ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। कोई भी एक सोल्यूट जो है जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर है उसका जो है डिजोल्यूशन रेट जो है ज़्यादा हो सकता है, कहने का मतलब ये है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर कोई कोई सॉल्यूट है वो जो है बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है उसकी, है ना, तो जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है फाइनल या सेचुरेशन कंसंट्रेशन आने में उसको समय लग सकता है। जो सॉल्यूट जो है बहुत जो है रैपिडली डिसॉल्व होते हैं किसी भी अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में, जबकि जो है क्या होता है कि जो टाइम होता है उनके लिए वो सैचुरेशन पे बहुत जल्दी आ जाता है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है इसको प्रेसाइज मतलब जनरल टर्म होता है ना, एक्सप्रेस करते हैं इनको प्रेसाइज, इनके फॉर्म में जनरल टर्म होता है ये। इसको जो है हम कैटेगराइज करते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, है ना। जो प्रेसाइज टर्म होते हैं उनको जो है यूनिट जो लेते हैं, ग्राम पर लीटर लेते हैं या फिर ग्राम पर 100 ग्राम लेते हैं, ग्राम परसेंटेज लेते हैं या फिर एमजी पर एमएल लेते हैं। जो प्रेसाइज टर्म होते हैं उनको जो एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं उसमें जो है ग्राम पर लीटर होता है, ग्राम पर 100 ग्राम होता है, ग्राम परसेंटेज होता है या एमजी पर एमएल होता है। दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको जो है
उसका मेजरमेंट करना है कि कितना सॉल्यूट उसका जो है अल्टीमेटली डिसॉल्व हो रहा है किसी भी दिए हुए सॉल्वेंट की क्वांटिटी में, तो वो एक उसकी कैपेसिटी होती है। ये जो होती है वो रेस्टिंग पॉइंट होती है या फिर इक्विलिब्रियम होती है अनडिजॉल्व सॉल्यूट और सॉल्युबलाइज्ड सॉल्यूट के अंदर के बीच में। जो ये रेस्टिंग पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम के बीच के लिए होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो अनडिजॉल्व सॉल्यूट और सॉल्युबलाइज्ड सॉल्यूट के बीच में, मतलब जो उसमें जो है सॉल्युबल हो चुका है, घुल चुका है उसके, और जो उसमें जो है बचा हुआ है, दोनों के बीच में जो है ये इक्विलिब्रियम जो है के पॉइंट को जो है दर्शाता है। दूसरी तरफ देखें तो जो डिजोल्यूशन रेट जो है इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो नॉइस और वाइटनिंग इक्वेशन, नॉइस वाइटनिंग इक्वेशन जिसको बोलते हैं, डीएम अपॉन डीटी इज इक्वल टू ए कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू सी एस माइनस सी बी। जो डीएम बाई डी टी होता है ये जो है सॉल्यूशन का डिजोल्यूशन रेट होता है किलोग्राम पर सेकेंड। जो एम होता है वो मास होता है डिजोल्व मटेरियल का किलोग्राम में होता है। टी जो होता है वो टाइम होता है सेकेंड में होता है। ए जो होता है वो सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मीटर स्क्वायर में होता है। जो डी होता है वो डिफ्यूजन कोफिशियंट होता है मीटर पर सेकेंड, जो कि रिलेटेड होता है किसी पार्ट में विस्कोसिटी, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी से, या फिर इस तरीके से जो है इसको जो है मेजरमेंट इसका करते हैं। जो डी होती है वो थिकनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीटर में होती है। सी एस जो होता है वो पार्टिकल सरफेस होता है, सेचुरेशन कंसंट्रेशन होती है किलोग्राम आर मोल पर लीटर में होता है। सीबी जो होता है कंसंट्रेशन इन बल्क सॉल्वेंट पर सॉल्यूशन केजी आर मोल्स पर लीटर में होता है। मींस हमने जो इक्वेशन बताया नॉइज वाइटनिंग इक्वेशन, डीएम अपॉन डीटी इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू डी बाई कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू सी एस माइनस सी बी, जिसमें हमने बताया डीएम बाई डी टी जो होता है सॉल्यूट डिजोल्यूशन रेट होता है, इसको जो है हम इसकी यूनिट जो होती है किलोग्राम पर सेकंड होती है। एम जो होता है वो मास ऑफ डिजॉल्व मटेरियल होता है, मास ऑफ डिजॉल्व मटेरियल किलोग्राम में होता है। टी जो होता है वो जो है टाइम होता है सेकंड में होता है। ए जो होता है वो एरिया ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल होता है, ये मीटर स्क्वायर में होता है। डी जो होता है डिफ्यूजन कोफिशियंट होता है मीटर पर सेकंड में होता है। ये जो है विस्कोस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी को भी जो है दर्शाता है। जो स्मॉल डी होती है वो होती है थिकनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, थिकनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीटर में होता है। सी एस जो होता है वो पार्टिकल सरफेस मतलब सेचुरेशन के टाइम पे कंसंट्रेशन जो होती है वो होता है किलोग्राम या फिर जो है मोल्स पर लीटर में होता है। जो सी बी होता है वो कंसंट्रेशन इन द बल्क सॉल्वेंट पर सॉल्यूशन होता है किलोग्राम में होता है या फिर मोल्स पर लीटर में होता है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एक एंड पॉइंट होती है जो कि डिजोल्यूशन की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एक एंड पॉइंट होती है जो कि डिजोल्यूशन कैपेसिटी को जो है रिप्रेजेंट करती है। डिजोल्यूशन रेट को जो है अभी हमने बताया कि नॉइज वाइटनिंग इक्वेशन के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। जो इसके आगे जो हम जो नॉइज वाइटनिंग इक्वेशन जो है ये क्या करता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन डिजोल्यूशन प्रोसेस से रेलिवेंट
डिजोल्यूशन प्रोसेस से रिलीवेंट बहुत सारे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो नॉइस वाइटनी इक्वेशन है। ठीक है, जब हम जो है इक्वल जो मतलब इक्वेशन पैरामीटर देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ प्रेडिक्शंस पाते हैं जो कि इस तरीके से हैं कि जो डिफ्यूजन कोफिशियंट है कैपिटल डी वो जो है सॉल्वेंट विस्कोसिटी से रिलेटेड होता है और ये डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है सॉल्वेंट की विस्कोसिटी। ये जो है सॉल्वेंट की विस्कोसिटी से जो है इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है और जो है डिजोल्यूशन रेट को जो है डिक्रीज कर रहा होता है dm/dt के फॉर्म में। मतलब जो कैपिटल डी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है विस्कोसिटी के। जो कैपिटल डी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के और जो है जो डिजोल्यूशन रेट होता है dm/dt ये जो है फास्टर हो जाता है स्मॉलर पार्टिकल होते हैं तब। जब सॉल्यूट के फॉर्म में स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं तो जो डिजोल्यूशन रेट होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि जो सरफेस एरिया है इनका जो पार्टिकल साइज डिक्रीज होती है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जो है इसका डिजोल्यूशन रेट भी बढ़ जाता है। तो जो है ट्राइचुरेशन या फिर माइक्रोनाइजेशन जो पार्टिकल का करते हैं वो जो है डिजोल्यूशन के टाइम पे जो है क्या करते हैं कि उसकी स्पीड को जो है बढ़ा बढ़ा देते हैं। इससे जो है पार्टिकल्स का ट्राइचुरेशन या माइक्रोनाइजेशन फास्ट हो जाता है। कुछ टाइप के जो है स्टीयरिंग या एजिटेशन ऐसे भी होते हैं डिजोल्यूशन के टाइम में जो कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट को डिक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं कि ये सोल्यूट मॉलिक्यूल को रिमूव करने लगते हैं बहुत तेजी से और पार्टिकल सरफेस से और डिजोल्यूशन रेट को जो है इंक्रीज कर देते हैं। कुछ ऐसे टाइप के स्टीयरिंग या फिर एजिटेशन होते हैं कि जो कि डिजोल्यूशन के टाइम पे जो क्या करते हैं कि जो डिफ्यूजन डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज कैसे करते हैं तो जो पार्टिकल सरफेस होता है पार्टिकल सरफेस से जो है जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं उनको जो है रिमूव कर देते हैं और डिजोल्यूशन रेट को बढ़ा देते हैं। इस तरीके से ये चलता है। अगर कोई सॉल्यूट ऐसा है जो कि आयनाइजेशन उसमें ज़्यादा आयनाइजेबल है या फिर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना तो वो जो है क्या करता है सॉल्वेंट की पीएच को जो है चेंज कर देता है। वो जो है क्या करता है सॉल्वेंट की पीएच को चेंज कर देता है और अफेक्ट करता है किसको सरफेस या सेचुरेशन कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है। मतलब कि जो सीएस होता है उसको ये अफेक्ट करता है। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो जो है इनके करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह के इनकी करेक्टरिस्टिक है। जो भी चेंज होता है या तो सीएस बढ़ता है या फिर सीएस घटता है इंक्रीज करता है या डिक्रीज होता है या फिर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है इसकी वजह से वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है और जो है उसी उसी के रेशियो में जो है जो डिजोल्यूशन रेट होता है वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो की पॉइंट होता है ये कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है और जो है आपने देखा कि कैपेसिटी जो है जो डिजोल्यूशन रेट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने नॉइस वाइटनी इक्वेशन का जो है के बारे में हमने देखा। तो जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टोटल सॉल्युबिलिटी को उसमें जो है
सबसे पहला होता है नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस, इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जिनको बोलते हैं वो होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। दूसरा जो होता है पोलैरिटीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो पोलैरिटी होती है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की वो भी जो है अफेक्ट करते हैं टोटल सॉल्युबिलिटी को। तीसरी जो चीज़ होती है थर्मोडाइनमिक्स ऑफ द डिजोल्यूशन, जो डिजोल्यूशन की थर्मोडाइनमिक्स होती है वो भी अफेक्ट करती है। चौथी चीज़ जो टेम्परेचर होता है वो तो अफेक्ट करता ही करता है टोटल सॉल्युबिलिटी को। आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड पीएच ऑफ द सॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आयनाइजेशन, जैसे कि अभी हमने बात किया कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आयनाइजेशन बहुत तेज हो जाएगा, या फिर जो सॉल्वेंट का पीएच है वो अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो है ये पांच जो है पैरामीटर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टोटल सॉल्युबिलिटी को। इसमें जो है पहला देख लेते हैं हम, पहला जो है वो नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस इंटर मॉलिकुलर इंट्रैक्शंस। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट में जो चेंज होता है उसको हम जो है देख लेते हैं कि उसमें क्या चेंज हो सकता है। इसके बाद से जो है एज्यूम करते हैं कि कोई ड्रग एक प्रेजेंट है, जो कोई एक ऐसी ड्रग हमारे पास है जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की है, ठीक है। अब इस सेक्शन में अपोजिट डाइल्यूशन के अपोजिट जो है क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब जो अट्रैक्शन होता है सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल का, वो जो है अपोजिशन में आ गया। अब जो जो भी अट्रैक्शन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का होगा वो कोहेसिव फोर्स के द्वारा होगा, और ये जो है अपोज करेगा, जो कि इस तरीके से जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसको जो है अपोज करेगा। इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेते हैं, डिजोल्यूशन जो है सॉल्यूशन, डिजोल्यूशन होगा सॉल्यूशन बनेगा, और जो है वहाँ से क्रिस्टलाइजेशन होगा तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फर्दर चेंज हो जाएंगे, है ना। तो जब डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों बराबर हो जाए तो जो डिजोल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट जो जो भी सॉल्वेंट है वो पूरी तरीके से इंट्रैक्ट कर रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल को, पूरी तरीके से सॉल्वेंट पार्टिकल जो है सॉल्वेंट पार्टिकल से जो है सॉल्वेंट जो है पूरी तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है, तो क्या होता है कि जो सॉल्यूट है उसके अंदर जो है डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है सोलूट का, वो क्या करता है कि रिड्यूस करता है और सेपरेट करता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंडिविजुअल आयन को जो है सेपरेट करता है। जो सॉल्यूट का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है सॉल्वेंट के अंदर इंडिविजुअल आयन को रिड्यूस करता है और उनको सेपरेट करता है। इस प्रोसेस को हम विजुअलाइज मतलब देख सकते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। डिजोल्यूशन होता जो होता है वो थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस होता है, और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो डिजोल्यूशन की प्रोसेस होती है ये पूरी प्रोसेस जो है थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल होती है। इसके ऊपर जो है हमारे पास जो है सोल्यूट होता है वहाँ पे हीट एंथैल्पी लगता है, रिमूवल ऑफ जो है सोल्यूट मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे एंथैल्पी जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जाती है, वो जो सोल्यूट का पार्टिकल होता है वो सॉल्वेंट के बीच में जाता है, फिर
एक कैविटी का क्रिएशन होता है, फिर जो है सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाता है। दूसरा होता है जो वो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, जो पोलैरिटी का इन्फ्लुएंस होता है, या जो जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का की पोलैरिटी होती है, वो जो है मॉलिक्यूलर डाइपोल्स पे डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर डाइपोल्स इनेट या फिर इंड्यूस होती है। अगर जो सॉल्वेंट है वो पोलर मॉलिक्यूल रखता है जैसे वाटर, तो जो पोलर सॉल्यूट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और जो है सॉल्वेंट के अंदर जो है नॉन पोलर जो है उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो जो है अट्रैक्शन के थ्रू जो है पोलर मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट होकर जो है डायपोल इंड्यूस डायपोल एक्शन के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, स्मॉल होते जाते हैं, मतलब इनकी जो पार्टिकल साइज है वो छोटी होती जाती है। तो जो पोलर सॉल्यूट होते हैं जनरली ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। जो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द डिजोल्यूशन होता है, थर्ड जो होता है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द डिजोल्यूशन, वो क्या होता है कि जो है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन जो होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, जो जी डेल्टा जी होता है ये गिब्स फ्री एनर्जी होता है, जो कि कार्य करने के लिए जो है वर्क करने के लिए जो यूटिलाइज होता है। जो डेल्टा एच होता है वो चेंज इन एंथैल्पी होता है, और जो डेल्टा एस होता है वो क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी होता है। अगर जो है एंथैल्पी में जो है एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है तो ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होती है। जब इसको जो है अकेले लेते हैं, मतलब केवल जो है आप एंथैल्पी को लेते हैं, तो जो है ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होती है, जबकि एंट्रोपी फेवरेबल होती है जब ये बढ़ता है। जब ये एलोन लेते हैं, अकेले लेते हैं, तो इसमें जो है हमारी एंट्रोपी बढ़ती है। जो फोर्थ आता है वो आता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है ये सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है और थर्मोडायनेमिकली रिलेटेड होता है। टेम्परेचर जो होता है सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है और थर्मोडायनेमिकली रिलेटेड होता है। जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर डिजोल्यूशन प्रोसेस पे, कि वो एंडोथर्मिक के है या एक्जोथर्मिक नेचर का है, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उस समय की उस पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है उसमें जो रिएक्शन होते हैं उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है रिएक्शन में उसमें जो है हीट एब्जॉर्ब होती है, जो डेल्टा एच होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस जो होती है वो हीट को रिलीज करती है और डेल्टा एच इज लेस देन जीरो होता है। डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। अगर एम्बियंट टेम्परेचर ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही अगर हो रहा है तो एक्जोथर्मिक डिजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो जो है इनहिबिट कर दी जाएगी, स्लो कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। जबकि अगर एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है तो ये जो डिजोल्यूशन की प्रोसेस है ये इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी। इसलिए जो हाई एम्बियंट जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन प्रोसेस के साथ। लेकिन
ये जो सॉलिबिलिटी होती है डिक्रीज करता है किसके, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के साथ। जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है किसी एसिडिक ड्रग, जो कि आयनाइजेशन ड्रग का आयनाइजेशन हो रहा है एसिडिक कंडीशन में, तो उसको ये जो है एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे PS-PKa इज इक्वल टू लॉग कैपिटल S-S0/S0, जहाँ पे S जो है वो आयनाइज ड्रग की जो है सॉलिबिलिटी है, S0 जो है अनआयनाइज ड्रग की सॉलिबिलिटी है। ने इक्वेशन बताया PH-PKa इज इक्वल टू लॉग कैपिटल S-S0/S0, जिसमें जो कैपिटल S है वो सॉलिबिलिटी है आयनाइज ड्रग की, और जो S0 है वो सॉलिबिलिटी है अनआयनाइज ड्रग की। ठीक है, तो जो सॉलिबिलिटी जो होती है बेसिक ड्रग की वो जो है पीएच से रिलेटेड होती है। उसको जो है हम दूसरे तरीके से जो है, जो हमने इक्वेशन यूज किया वो ये था PH-PKa इज इक्वल टू लॉग कैपिटल S0/S-S0। अगर जो है बेसिक ड्रग की सॉलिबिलिटी को पीएच के रिलेशन में अगर रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है PH-PKa इज इक्वल टू लॉग कैपिटल S0/S-S0। जबकि एसिडिक ड्रग में क्या था कि PH-PKa इज इक्वल टू लॉग कैपिटल S-S0/S0। दूसरे में उसका सीधा उल्टा है, वो कैसे है, पी जो बेसिक ड्रग की जो वो है इक्वेशन है वो है PH-PKa इज इक्वल टू लॉग कैपिटल S0/S-S0। यहाँ पे जो है जो कैपिटल एस है वो जो है सॉलिबिलिटी है अनआयनाइज ड्रग की, S0 जो है वो सॉलिबिलिटी है आयनाइज ड्रग की। जो ज्यूटर आयन है वो क्या करते हैं कि इनकी जो है लोवेस्ट सॉलिबिलिटी होती है S0। अगर पीएच वैल्यू के ऊपर बात करें तो अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है, अगर इक्वेशन भी यूज कर रहे हैं, तो पीएच वैल्यू जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर होगी। इक्वेशन एक यूज किया जाएगा, पहला इक्वेशन यूज किया जाएगा। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है, वो आती है डिसोल्यूशन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिसोल्यूशन होता क्या है। तो जो ये सिंपल टर्म होता है, जो प्रोसेस होती है सॉल्यूट डिस्पर्सिंग की या डिसोसिएटिंग की किसी सॉल्वेंट के अंदर, क्या करना, फॉर्मिंग ए मॉलिकुलर लेवल, एक मॉलिकुलर लेवल का बनाना, केमिकली और फिजिकली होमोजीनियस डिस्पर्सन, इसको जो है हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम सॉलिबिलिटी के रूप में देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये डिजोल्यूशन है। जो सॉलिबिलिटी होती है किसी भी एक सॉल्यूट को जो है किसी सॉल्वेंट के अंदर जो है डिस्पर्स करना, डिसोसिएट करना, तो वो अगर वो उसमें सॉलिबल हो रहा है तो उसको जो है आप सॉल्यूशन कहेंगे। उसी तरीके से जो है अगर सॉलिबिलिटी के रिलेशन से देखा जाए तो इसको हम डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं। ये जो है समझना जरूरी होगा कि इसका कंसंट्रेशन और रेट क्या आ रहा है।
सॉल्युबिलिटी जो होती है एक एंड पॉइंट होती है, और डिजोल्यूशन जो होता है एक प्रोसेस होता है। ये डिफरेंस होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक एंड पॉइंट होता है, डिजोल्यूशन जो होता है एक प्रोसेस होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको जो है आप सॉल्यूशन का दर्जा देते हैं, है ना। उसमें बहुत सारे फेज कॉम्बिनेशंस होते हैं। दूसरे तरीके से अगर हम फोकस करें तो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दो तरह के जो सॉल्यूशन, जो लिक्विड इन लिक्विड होते हैं, कुछ लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, दूसरा सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, इस तरह के भी सॉल्यूशन बनते हैं। इसलिए जो है इनकी सॉल्युबिलिटी और डिजोल्यूशन जो है इन दोनों तरह की, दोनों प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी और डिजोल्यूशन दोनों होता है। अगर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो दो मेजर टाइप के डिजोल्यूशन होते हैं, और पहले टाइप में जो है सॉल्यूशन फेज जो है वो सेम सॉल्यूट को की केमिकल एंटाइटी को जो है ओरिजिनल सॉलिड फेज को जो है उसमें डिजोल्व करता है, उसमें जो है डिजोल्यूशन उसका होता है। अगर हम सॉल्वेंट का रिमूवल करते हैं, जो सॉल्यूट होता है वो जो है हम रिकवर कर पाते हैं डिजोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा। जो सुक्रोज है, सुक्रोज को जब वाटर में जो है जब हम डिजोल्व करते हैं, डिजोल्यूशन उसका करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम सुक्रोज को लेना चाहें तो उसको जो है सुक्रोज को हम बाद में फिर गेन कर सकते हैं। अब जो है हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप आपके सॉल्यूशन होते हैं, जैसे गैस सॉल्यूट है और गैस सॉल्वेंट है। तो जो एग्जांपल है इसका एयर, अगर सॉल्यूट लिक्विड है सॉल्वेंट गैस है तो वाटर वेपर इन एयर, अगर सॉल्यूट सॉलिड है सॉल्वेंट गैस है तो आयोडीन वेपर इन एयर, अगर सॉल्यूट गैस है सॉल्वेंट लिक्विड है तो कार्बोनेटेड वाटर, अगर सॉल्यूट लिक्विड है सॉल्वेंट लिक्विड है तो अल्कोहल इन वाटर, अगर हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट है सॉल्वेंट लिक्विड है जैसे सुक्रोज इन वाटर, अगर सॉल्यूट में हमारे पास गैस है सॉल्वेंट में सॉलिड है तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, अगर सॉल्यूट लिक्विड है सॉल्वेंट सॉलिड है तो मिनरल मिनरल ऑयल पैराफिन, अगर सॉल्यूट सॉलिड है सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्डर टिन इन लेड। तो हमने जो है ये बहुत सारे एग्जांपल बताए जिसमें कि सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल था ये, जिसमें सोलूट और सॉल्वेंट डिफरेंट डिफरेंट थे। उसके बाद से जो वो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ डिफरेंट। अब इसके बाद से डिजोल्यूशन इज ए प्रोसेस, कैसे प्रोसेस है। अगर जो है मोड ऑफ डिजोल्यूशन की बात करें तो डिजोल्यूशन होता है उसका एक ऑर्डर होता है विथ और विदाउट केमिकल रिएक्शन, या तो केमिकल रिएक्शन के साथ डिजोल्यूशन होता है या बिना केमिकल रिएक्शन के जो है डिजोल्यूशन होता है। जो सोलूट पार्टिकल साइज होता है वो पहले जो है छोटा होता है, जो जो सोलूट का पार्टिकल साइज होता है वो पहले छोटा होता है, फिर जो है जो डिजोल्यूशन की प्रोसेस होती है उसका इनिशिएशन होता है, उसकी स्टार्टिंग होती है।
इस जो प्रोसेस है इसको रेट की रेट के रूप में जो है आप मेज़र करते हैं। अभी आपने नॉइज़ वाइटनिंग इक्वेशन जो पढ़ा वो क्या करता है कि वो डिस्क्राइब करता है कि रिजोल्यूशन को जो है एक सिंगल इक्वेशन में जो है डिस्क्राइब करता है। लेकिन होता क्या है, स्मॉलर स्केल पे सॉल्युबिलिटी को जो है आप एज्यूम करते हैं, और जबकि हम जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं कि कितनी जल्दी जो है एंड पॉइंट आ पाता है। ये जो है बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है, वन स्टेप कंसिड्रेशन होता है विथ वन एसोसिएटेड रेट होता है, और डिजोल्यूशन कैन जो डिजोल्यूशन है वो इम्प्रूव कर सकती है मल्टीपल स्टेप स्टेप, है ना, जो कि इसके रेट के साथ जो है घटती और बढ़ती है। जो कलेक्शन होता है इंडिविजुअल रेट का, वो रिजल्ट किस तरीके से देता है, पूरी पूरा जो है ओवरऑल रिजोल्यूशन रेट को जो है ऑब्जर्व करता है। आगे आते हैं, आगे हमारे पास क्या है कि टेबलेट है या फिर कैप्सूल है, उसको अगर हम डिजोल्यूशन करते हैं उसका, तो डिजोल्यूशन का क्या होता है कि ड्रग इन सोल्यूशन के अंदर ड्रग आ जाता है, फिर डिजोल्यूशन बहुत माइनर करते हैं तो फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, क्या होता है, ड्रग इन सोल्यूशन होता है, फिर वही टेबलेट या कैप्सूल जो है ग्रेन्यूल या एग्रीगेट्स में चेंज होते हैं तो डिजोल्यूशन लगता है। डिजोल्यूशन लगता है तो फिर ये ड्रग इन सोल्यूशन में चेंज हो जाता है। फिर जो ग्रेन्यूल्स या एग्रीगेट्स थे इनका डी एग्रीगेशन होता है, जो सोल्यूट जो ग्रेन्यूल्स या एग्रीगेट्स थे उनमें जो है डिजोल्यूशन होने लगता है और वो जो है डी एग्रीगेशन के थ्रू फाइनल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जो फाइनल पार्टिकल है वो भी जो है सॉल्यूशन में ड्रग के रूप में जो है प्रेजेंट रहता है, और जो आपका टेबलेट कैप्सूल है वो डायरेक्टली भी ड्रग इन सॉल्यूशन में जो है जाता है, या फिर ग्रेन्यूल्स या एग्रीगेट का भी जो है डायरेक्टली रिलेशन होता है डीजो का। इस तरीके से जो है ये आपकी प्रोसेस होती है। अब जो है हम स्टेप्स की बात करें तो डी एग्रीगेशन होता है, जैसे ग्रेन्यूल्स और एग्रीगेट हुआ, उससे जो है क्या होता है कि दो तरह से होता है, या तो उसका डिजोल्यूशन डायरेक्टली हो जाए तो ड्रग इन सोल्यूशन में आ जाएगा, सोल्यूशन में ड्रग आ जाएगी, या फिर ग्रेन्यूल्स या एग्रीगेट जो है पहले फाइन पार्टिकल में चेंज हो, फाइन पार्टिकल से डिजोल्यूशन के थ्रू जो है वो तो जो भी डिजोल्यूशन स्टेप्स होते हैं सारे स्टेप्स का अपना एक अलग रेट होता है। इनको जो है डीएस बाई डीटी सॉल्यूट टू ग्रेन्यूल्स अपॉन एग्रीगेट्स के रूप में जो है दे सकते हैं, डी डीजी अपॉन डीटी ग्रेन्यूल्स अपॉन एग्रीगेट्स जो होता है फाइन पार्टिकल का वो जो है इस पर डिपेंड करता है, डीपी अपॉन डीटी जो होता है पार्टिकल्स टू सॉल्यूशन, और जो है बहुत सारे इक्वेशन जो है वो केवल इंडिविजुअल सॉल्यूशन के इंडिविजुअल स्टेप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि टेबल या कैप्सूल टेबलेट या कैप्सूल लिया,
यहाँ पे पहली बार लगा आपका माइनस डी टी एस बाई डी टी, रिजोल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन में ड्रग पहुंच गया। दूसरी तरफ क्या है कि अगर टेबलेट या कैप्सूल है तो डी टी जी अपॉन माइनस डी टी जी अपॉन डी टी, ये जो है माइनस डी पी अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाता है। जो तीसरा स्टेप है वो ये है, ग्रेन्यूल या एग्रीगेट से जो है यहाँ पे माइनस डी जी एस अपन डी जी डी टी लगा होता है। ये है इस तरीके से जो है इसका किया जाता है। मतलब जो हमने बताया कि टेबलेट या फिर कैप्सूल, उस पे जो है तीन तरह से डिजोल्यूशन होता है। एक डायरेक्ट डिजोल्यूशन होता है, इसमें माइनस डी टी एस अपॉन डी टी लगता है। एक जो है ग्रेन्यूल्स और एग्रीगेट में कन्वर्ट करता है, जो कि कन्वर्ट करता है उसमें माइनस डी टी जी अपॉन डी टी लगता है। यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। ग्रेन्यूल्स या एग्रीगेट जो है इनके ऊपर जो है माइनस डी जी डी जी एस अपॉन डी टी, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स या फिर एग्रीगेट्स जो हैं इन पे जो है माइनस डी जी पी अपॉन डी टी लगता है। यहाँ पे डी एग्रीगेशन होता है, ये फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो है डिजोल्यूशन होता है यहाँ पे माइनस डी पी एस अपॉन डी टी, ये जो है ड्रग इन सोल्यूशन में पहुँच जाते हैं। जो ड्रग जो सोल्यूशन होता है, जो सॉल्वेंट होता है, उसमें डिजॉल्व होकर सोल्यूशन का फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरीके से ये जो है मैथमेटिकल जो है स्कीम है डिजोल्यूशन के लिए, इसको जो है। अब जो है हम देखते हैं कि फाइन पार्टिकल्स और वेटिंग क्या होती है। अब हम फोकस करेंगे फाइन फाइन पार्टिकल लेवल तक और उसके एक्शन की क्या, मतलब कैसे होता है। तो जो प्रोसेस ऑफ फाइन पार्टिकल डिजोल्यूशन होता है ये जो है थ्री स्टेप में डिवाइड होता है। पहला जो है जस्ट वेटिंग है ना, सोल्यूट बाय द सॉल्वेंट, दिस इज फॉलोड बाय इमर्जन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट विच इन्वॉल्व्स नॉट ओनली फेवरेबल इंटरफेसियल एनर्जेटिक्स बट आल्सो द थर्मोडायनामिक्स डिस्कस्ड। डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट इन टू द बल्क सोल्यूशन मस्ट अकर, मीन्स फाइन पार्टिकल डिजोल्यूशन फॉलोज थ्री स्टेप, वेटिंग, इमर्जन एंड डिफ्यूजन। वेटिंग मीन्स प्रिपेयरिंग अ सोल्यूशन यूजिंग अ सोल्यूट पाउडर एंड लिक्विड सॉल्वेंट। स्लो वेटिंग द सोल्यूट बाय द सॉल्वेंट कैन बी हिंड्रेंस टू वॉट माइट अदरवाइज बी क्विकली एंड इजी डिजोल्यूशन प्रोसेस। मीन्स जो है हम सबसे पहले एक सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट्स में जो है जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं उनको जो है हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है उनको वेट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्वेंट लेके उनको वेट करेंगे है ना। और इससे जो है इससे फायदा क्या होगा, इजी डिजोल्यूशन प्रोसेस होगी। इसमें जो है हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमने फाइन पार्टिकल लिया, फाइन सोल्यूट पार्टिकल लिया, उसके बाद से जो है हमने क्या किया कि उसको वेटिंग करना शुरू किया सॉल्वेंट के द्वारा, फिर उसको जो है इमर्जन करना शुरू किया, इमर्ज करना शुरू किया पार्टिकल को सॉल्वेंट के द्वारा, ये फाइन पार्टिकल जो है, फिर जो है फाइन पार्टिकल बल्क सोल्यूशन में आ जाएंगे। फिर जो है आपका बल्क सोल्यूशन जो है जो डिफ्यूजन के थ्रू बल्क सोल्यूशन में पूरी की पूरी जो है पार्टिकल्स जो जो भी फाइन पार्टिकल्स हैं वो जो है उसमें चले जाएंगे। इस तरीके से जो है ये कंफर्म हो जाएगा।
इस तरीके से आज आज के लिए जो है इतना ही, बस फिर नेक्स्ट